हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दोपहर से। और ये देखिए, सुबह ही सुबह जब मैं उठी तो मेरे मुँह पे देखिए क्या निकल गया है, पता नहीं। इतना दर्द हो रहा है ना, पिंपल तो वैसे मुझे कभी निकलते नहीं है, पिंपल नहीं है, फोड़ी जैसा कुछ तो है, पूरा एकदम से येलो येलो हो रखा है। और पिंपल तो सच बताऊं तो आज तक मुझे कभी पिंपल नहीं आया है। मैं देखती हूँ सबको आते हैं, मैं बोलती हूँ पिंपल कैसा होता है, आज तक पिंपल तो मुझे आया ही नहीं है। पता नहीं कैसे ये फोड़ी आ गई और साइड साइड से पूरा खींच रखा है, पूरा सर मेरा दुख रहा है। और यहाँ यहाँ ना ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना तो भी दुख रहा है। तो मम्मी बोली कि इसको अभी ये फोड़ने में भी दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही हूँ। तो चलते हैं मेडिकल से कुछ लाते हैं, पट्टी वट्टी बोलते हैं मम्मी लगा लेगी तो ना फूट जाएगा अच्छे से, फिर ठीक हो जाएगा। तो भाई चलते हैं फटाफट से। और भाई 2 दिन की बारिश, 2 दिन की ठंडी और 2 दिन में वापस आ गई गर्मी। तो गर्मी से हो रहा है अभी बुरा हाल। अब चलते हैं हवा लेने। तो गाइस सुकून भरा हवा तो यहाँ आ रहा है, बात तो सही है। इतना ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना, पूछो मत। बाकी तो 2 दिन की ठंडी थी, 2 दिन के थे, 2 दिन की क्या, 2 दिन की चांदनी ना, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारा। तो यही हाल है कुछ। अब देखते हैं अचानक से ठंडी कैसे आती है। तो गाइस शाम हो चुकी है और शाम को पता ही है ना कि शाम को कुछ ना कुछ बाहर का खाने का मन ही करता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इजी सा कोई चीज़ बनाया, बढ़िया सा सूजी टोस्ट रेसिपी। तो चलते हैं फटाफट से लेते हैं सामग्री और बनाते हैं फटफट झटपट रेसिपी। और बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, तो इजी ही है, बस सामान सूजी चाहिए, ब्रेड चाहिए, बताती हूँ आपको। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, पूछो ही मत। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। ये कौन है? पहचाने पहचाने से लगते हो, पहचाने पहचाने से लगते हो। कैसा लगा मेरा मजाक? गोलगप्पे क्या लेकर आई है? ये डिश बनाने के लिए। ये क्या है डिश? ये हाथ दो मैं एक ही में। आज बनाएगा, आज क्या बनाएगा बोल रही हूँ। आज बनाऊंगी सूजी टोस्ट। सूजी टोस्ट? हाँ सूजी टोस्ट। टोस्ट दही? दही भी डालना है उसमें ना। ले ये बड़ा आसान सा नाश्ता है, मैं भूल गई थी। फिर दीदी ने बताया कि अरे तू तो जो जितना बनाती थी जो वाला डिश वो वाला बना, मैं तो नाम भी भूल गई। बोला अरे इतना बनाती थी अब भूल गई? बोला अरे वो बना दो सबसे इजी है। चलो भाई अपने अपने को संभालो, अपने काम पे लग जाओ, अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो आ जाओ बेटा, खा गए? तो गाइस ये देखो कितने टाइम बाद आए अंकल। एक बार आए थे, मम्मी ने बताया ही नहीं था। बाबा तो चलिए फटाफट से खाते हैं गोलगप्पे, फिर बनाते हैं डिश। मेरे में प्याज डाल देना। अभी एक छाल बात खाएगी तू, अभी तो नहीं खाएगी। चीटिंग करता है तू। दो बना दे। बाय बाय गाइस, यहाँ पे मेरा सारा सामान रेडी हो गया है। सारा सामान मतलब और भी सामान लगेगा अभी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से बढ़िया सा नाश्ता। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं क्या क्या डालते हैं इसमें। तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप सूजी। अब हम इसमें डालेंगे दही। अब हमने इसमें दही डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तो गाइस देखिए ये एकदम से रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। अब करेंगे हम इसको भी अच्छे से मिक्स।
पेस्ट अगर थोड़ा ठीक हुआ हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो गाइस मेरा पेस्ट थोड़ा ठीक हो गया था, इसके लिए मैंने इसमें आधा ग्लास पानी ऐड किया। आधा ग्लास मतलब बड़ी ग्लास नहीं, छोटी ग्लास। फिलहाल इसको हम अभी 5 मिनट तक रेस्ट देंगे, 5 मिनट तक बस। तो गाइस यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया हुआ, इसके कॉर्नर को ना अच्छी तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, अब हम इसमें डालेंगे तेल। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया, मतलब रेडी हो गया, अब हम इसमें डालेंगे। तो हमें लेना है ब्रेड। अब क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे, इसमें डिप करेंगे और डाल देंगे वेजिटेबल्स। आजा भाई। कुछ इस तरीके से तरीके से कुछ डाल देना है हमें, और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसके बाद पलटी करना है। तो गाइस ये देखिए, ये थोड़ा सा शायद ब्राउन हो गए हैं, अब इसको हम पलटी करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पलटी कर दिया हुआ है। ये देखिए, ये एकदम से हो गया है रेडी। अब इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा बढ़िया सा नाश्ता बन के हो गया है रेडी। अब हम इस पे डालेंगे चीज। तो गाइस अब देखिए ये हो गया है हमारा सूजी टोस्ट रेसिपी रेडी, सूजी ब्रेड टोस्ट। देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। चलिए अब टेस्ट कराते हैं। तो गाइस चलिए आप फटाफट जनक भैया को टेस्ट कराते हैं। आज फर्स्ट टाइम जनक भैया जल्दी आ गए हैं। जनक भैया सूजी ब्रेड टोस्ट सारा मेरे लिए नहीं। अब सारा खाना है, सारा खा लो, बहुत सारा बनाया है, खा के बताओ जल्दी जल्दी। टेस्टी लग रहा है कि नहीं सूजी ब्रेड टोस्ट? ए, इसको भी चाहिए। वो भी टेस्ट करेगी। थोड़ा सा खाना है। अरे दे दो इसको। मजा आ रहा है, मस्त बनाया। तो गाइस जनक भैया को बहुत ज्यादा पसंद आया और वो बोल रहे हैं ना फटाफट स्नैप डाल लें। स्नैप लवर हो गए हैं, पहले स्नैप डालेंगे तब खाएंगे। तो फिर अब चलते हैं फटाफट से। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? मस्त। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खाने में भी टेस्टी है, झटपट नाश्ता। यहाँ पे देखो बच्चे बहुत अच्छा बनाया, इससे अच्छा तो दुकान वाले भी बनाएंगे। नहीं मैं नहीं मानता। अरे थैंक यू, कैसा बनाया सब लोग बताओ? अच्छा बनाया? बहुत अच्छा बनाया, आपसे अच्छा तो दुकान वाले भी। बच्चे मन के सच्चे। यार यार ये कितनी औसम है यार। आयो मैं अब बहुत चारे भाई देखो बच्चे मन के सच्चे। और जिया तो खराब रहेगा तो सीधा खराब बोल देगी, अच्छा रहेगा तारीफ करती रह जाएगी। A few moments later. हाँ ये कर लो पहले। तो गाइस मम्मी आज मेरे पापा ने अपना ब्लूटूथ निकाल के दे दिया। अभी मम्मी इतनी जोर जोर से नाच रही थी, मेरा कैमरा देख के देखो रुक गई मम्मी। तो गाइस ये देखो मैं पहाड़न मेरा बिटवा पहाड़ी।
बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। कैसे मम्मी ने कैसा लटका रखा है देखना, बच्चे को लटका। तो गाइस अब है पापा की बारी। पापा जी, मम्मी भी नहीं खाई थी, मम्मी बोलते मैं पूजा करके खाऊंगी। क्यों नहीं है, खाएगा, मेरी जिंदा भी खाएगा। वो तेरी, ये देखो क्या, हाय वो देख, यम बोल रही, यम यम बोल रही, यम यम खाना, यम गरम। क्या है इसका नाम, गरम है क्या है? सूजी टोस्ट। जी हाँ, का कहा हुआ सही है, जो दिए ले कहा ना, वो सही है। इसमें पापा सूजी है, दही है और बस सब्जियां है, बस और कुछ नहीं है। क्या कहा? सब बस बेटा। जिया चाची, आप तो बाजार वाले से भी अच्छा बनाते हो, बाजार वाले तो बेकार बनाते हैं, इससे अच्छा तो आप बनाते हो। मार्केट में जाते हैं, वहाँ खाते हैं ना, ऐसा टेस्ट नहीं आता है। ले ये काट देंगे, टेंशन मत लो। ऐसा लगा पापा? पापा को मत पूछ, मुझे कुछ बोल। मम्मी के तो मुंह से ही पता चल जाता है अच्छा है कि बेकार है। मम्मी का एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है, जलवा है हमारा। ज्यादा कुछ पड़ा ही नहीं है, और मतलब ये भी नहीं है कि मतलब मसाला है कुछ, खाली सब्जी है, दही है, जो भी है हेल्दी है, अच्छा प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, इसके साथ टमाटर सॉस हो जाए तो और क्या बात। हाँ टमाटर सॉस ठीक है, ला देती हूँ। खत्म, बाय बाय।